पंजाब, पांच दरियाओं की सरजमीन, जहां खेत हैं, सब्जा है, सहरा हैं, पहाड़ हैं। यहीं से इंसानी तहजीब की इब्तिदा हुई। हड़प्पा, इंसान का कदीम तरीन शहर। शहर की मंसूबा बंदी, ईंटें बनाना, कुएं खोदना, बैलगाड़ी का इस्तेमाल और अनाज को जमा करने के तरीके इस तहजीब में दरियाफ्त किए गए। किसी तारीखदान को 3000 साल की तहजीब में लड़ाई, झगड़े और बर्बादी के कोई आसार नहीं मिलते। अलेक्जेंडर कनिंगम एक ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने यहाँ पर कुछ खुदाई भी की, उसने नक्शा भी बनाया। खुदाई के बाद उसको कुछ ऐसे नवादरात मिले जो वो खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सका कि ये क्या हैं, इनकी कदामत क्या है, इनकी अहमियत क्या है। हड़प्पा सिविलाइजेशन अमीन है उस रिवायत की भी जो मजलिसी जिंदगी मेहरगढ़ में शुरू हुई थी 10,000 कबल मसीह में। इसके तल्लुक दूसरे ममालक से भी, यानी कि सिविलाइजेशन से थे, और ये साबित हो चुकी है चीज़ कि ये यहाँ से बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, अफ़गानिस्तान से ले कर बहर अरब तक, बलूचिस्तान से ले कर यानी सारा पंजाब और मशरकी पंजाब जो कि अब इंडिया में है, हरियाणा, तो वहाँ तक ये फैली हुई है। और मेसोपोटामिया में उर के मुकाम पर सर लियोनार्ड वोले और दूसरों ने काम जब शुरू किया तो वहाँ से ऐसी पत्थर की मोहरें निकली जिनकी जो मुशाहबत थी बिल्कुल वही थी जो कि हड़प्पा से मिली थी। तो फौरन दुनिया की तवज्जो है इस तरफ मबजूल हो गई कि ये तो साउथ एशिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन है। वसत के अतबार से हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा वसी सिविलाइजेशन है। कॉकेशिया से आर्याओं के ग्रोह अम्मू दरिया के जरिए इस इलाके में आते रहते थे। सन 2000 कबल मसीह के करीब आर्याओं की बहुत बड़ी तादाद
जिसने घोड़ों और रथों का इस्तेमाल सीख लिया था, इस इलाके में आए। वो तेज रफ्तार थे, जंग करना जानते थे। इंडस के लोग जंग से नाआशना थे, इसलिए मغلوب हो गए। आर्याओं ने एक इंडस कबीले दासियों के नाम पर सबको देसी कहा, यानी गुलाम का नाम दिया। मर्दों को दास और औरतों को दासियां बनाया। अपना क्लास सिस्टम और मजहब रूशनास करवाया, जो हिंदू मत के नाम से जाना गया। पंजाब को हिंदू मत का बहुत अहम इलाका समझा जाता है। यहाँ हिंदू मत के कदीम तरीन बुत मंदिर और दीगर मजहबी आसार अब तक चकवाल के इलाके में मौजूद है। पंजाब में टैक्सिला का मकाम बहुत अजीम और पुरअमन मजहब का मरकज बना। तकरीबन 2000 साल पहले राजा अशोक ने हिंदू मत छोड़कर बुद्ध मत कबूल किया और एक बहुत बड़ी इबादतगाह बनाई। टैक्सिला ही में तालीम के लिए दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई। यहाँ मुख्तलिफ अलूम पढ़ाए जाते थे। टैक्सिला में गंधारा आर्ट ने जन्म लिया और कमाल को पहुंचा। आज भी दुनिया भर से बहुत से सयाह यहाँ आते हैं। पंजाब की जमीन मजाहिब के एतबार से हमेशा बहुत जरखेज रही। अल्लाह अल्लाह हू अकबर। इस्लाम का पैगाम इस इलाके में कई अजीम हस्तियों के जरिए फैला। दाता गंज बख्श, शाह रुकन आलम, शाह शम्स तबरेज, माई जविंदी और यूसुफ शाह गर्देजी जैसे अजीम सूफिया कराम ने इंसान को इस्लाम का, सलामती का और बाहमी अमन से जिंदगी गुजारने का पैगाम दिया, जो पंजाब में तेजी से फैल गया। पंजाब का सबसे बड़ा असासा और सरमाया हमारे सूफी शायर थे। बाबा बुल्ली शाह का कलाम दुनिया भर में पढ़ा जाता है। हमारे सूफी शायर फलसफी थे, वली थे। उन्होंने शायरी के जरिए दीन, दुनिया और कायनात के राज लोगों पर अफशा किए। पंजाबी जबान की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि ये आज दुनिया की 10 बड़ी जबानों में से है। मुल्तान सूफिया कराम का मरकज बन गया। ये पंजाब का एक कदीम तरीन शहर है। सिकंदर आजम के आने से अब तक ये बहुत सी रिवायतों का अमीन है। यहाँ बहुत से खूबसूरत मज़ार हैं और रिवायतें भी जिंदा हैं। मुल्तान अपनी दस्तकारी की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है। एक चीज को कम से कम कोई 5 या 6 या 7 लोगों के पास जाना पड़ता है मुकम्मल होने के लिए, और वो काम सिर्फ और सिर्फ मुल्तान में होता है। दरबारों के, मस्जिद के जो आर्ट है, उसी को देख के फिर जो है ना ये लैम्पशेड काम शुरू हुआ। पंजाब की पुरअमन फिजा में गुरु नानक साहब ने जन्म लिया और अल्लाह की वहदानियत का प्रचार देते हुए सिख मजहब के असूल वजा किए। सिख मजहब की मुकद्दस बारगाह ननकाना साहब वस्ती पंजाब में वाक़ है। यहाँ गुरु नानक पैदा हुए, जिस तरह इस्लाम में खाना काबा का मकाम संभाला, उसी तरह ये सिख मजहब का खाना काबा है। यहाँ ही से सिख मजहब की इब्तिदा। इस डिस्ट्रिक्ट में कई हजार सिख रहते हैं जो रोजाना इस गुरुद्वारे पर हाजिरी देते हैं और इसका मुकम्मल इंतजाम संभालते हैं।
पंजाब का सबसे मशहूर शहर लाहौर दरियाए रावी के किनारे वाक़ है। इस शहर को पंजाब का दिल कहा जाता है। मसाजिद, सकाफत, इल्म तहकीक, खेल कूद और खाने की रिवायात का मरकज लाहौर। लाहौर की सिर्फ पंजाब या पाकिस्तान में नहीं, मैं समझता हूँ पूरे बरे सगीर में, साउथ एशिया में बहुत बड़ी हैसियत है। लाहौर इज अ कम्प्लीट ब्लेंड, फिर सिर्फ आर्किटेक्चरली नहीं, जो जो इनटेंजिबल कल्चर जिसे हम कहते हैं, यहाँ की कुजीन, खाने पीने, रवायात, और बसंतों से लेकर यहाँ के मेले ठेले, सूफिया कराम और वो सब म्यूज़िक एंड फिल्म एंड यू नेम इट, हर चीज़ आपको, पार्क्स एंड यू नो हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो लाहौर एक बहुत जीता जागता पुराना तरीन शहर है इस पूरे खत्ते का। सो वन सिटी दैट एक्चुअली डजंट गो टू स्लीप इज लाहौर। इस वक्त तक कोई तकरीबन 2000 प्रॉपर्टीज़ पे हम काम कर चुके हैं और उनमें दुकानें और मकानात शामिल हैं, उनमें गलियां सारी जो हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा शामिल है, और वहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स हैं तारीखी, जिनमें शाही हमाम, दिल्ली दरवाज़ा इट्सेल्फ, फिर वज़ीर ख़ान मस्जिद का बैरूनी हिस्सा, ये ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। तो शाही हमाम जिस तरीके से हुआ है, आज हम उसको किसी भी दुनिया के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट से कंपेयर कर सकते हैं, और इसीलिए उसको यूनेस्को अवार्ड मिला है पिछले साल। इसके नाम से जाहिर हो रहा है शाही हमाम ये नहाने की जगह थी और शाही लोगों के लिए हुआ करती थी। 1634 में जब शाहजहाँ यहाँ बर्रे सगीर का एम्परर था, उसके दौर में से शेख अलीमुद्दीन अंसारी, जो जिसका निक नेम वज़ीर ख़ान के नाम से वो ज़्यादा मशहूर है, तो ये वज़ीर ख़ान के हमाम है। इन्हें शाही हमाम भी कहा जाता है और वज़ीर ख़ान के हमाम भी कहा जाता है। ये खूबसूरत फ्रेस्को वर्क हमें अकब में नज़र भी आ रहा है। 21 कमरे हैं पूरे शाही हमाम में, 8 गर्म पानी के, 8 ठंडे पानी के, 5 सौना बाथ भी हैं। 1634 में यहाँ सौना बाथ हुआ करते थे। द बर्न कोल फायर, वो कोयलों की आग, वो अंडरग्राउंड चैनल्स और छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई थी, उसमें से वो कोयलों की आग गुजरती थी, वो भाप गुजरती थी, वो हीटिंग फ्लोर सिस्टम, ये हाइपोकास्ट सिस्टम इसे कहा जाता है, और ये रोमन टेक्नोलॉजी थी। देखें 1634 में लाहौर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। आज लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 80 लाख के करीब है। पंजाब के रहने वालों का खास मिजाज मेहमानदारी से जाहिर होता है। शौक से खाते हैं और शौक से खिलाते हैं, ख्वाब कसूर के अंदरस से हों या फालूदा, खुशाब के ढोडे हों या मुल्तान का सोहन हलवा, लाहौर की लस्सी हो, निहारी हो या पाए, सभी मकबूल हैं। जहलम दरिया और उसके गिर्दोनवाह भी दिलचस्पी का मरकज है। यहाँ शेर शाह सूरी ने 15वीं सदी में किला रोहतास कायम किया, जिसको बैनुल अक्वामी तौर पर दुनिया की अजीम विरासत का हिस्सा करार दिया गया। इसकी दिफाई दीवार 4 किलोमीटर लंबी और इसकी चौड़ाई 10 से 14 मीटर तक है। सयाह यहां रोहतास के किले की आलीशान तामीर देखने आते हैं, और वापसी पर जहलम के करीब मियाँ जी के दाल का मजा चखते हैं, जिसको खाने के लिए शहजादी डायाना तक पहुंच गई थी। पंजाब के पहाड़ी इलाके भी बहुत दिलफरेब हैं। इसके शुमाली इलाके में पहाड़ों की मलिका कोह मरी है, जहां सयाहों के लिए बहुत सी दिलचस्पी का सामान मौजूद है। यहां कुदरती सुकून में इंसान और जानवर अमन से रहते हैं। पंजाब में कदीम सोन वैली कुदरती हुसन का एक खुफिया खजाना है। आज भी खुशाब की झील पर साइबेरिया से लाखों फ्लेमिंगोज आते हैं। इसकी नीली झीलों पर आसमान भी हैरतजदा है। इसमें कुदरत के कई मजाहिर हैं। शेरशाह सूरी ने जब यहां की झील का पानी पिया
तो बे अख्तियार उसके मुंह से निकला, खुश आब, मीठा पानी। आज यहां हजारों की तादाद में आबी परिंदे आते हैं। साइबेरिया से आने वाले फ्लेमिंगोस बिलखसूस मशहूर हैं। वादी सोन की दूसरी तरफ पहाड़ों के रंग बदल जाते हैं। कहा जाता है कि सिकंदर आजम की फौज के घोड़े यहां आकर पत्थरों को चाटने लगे, क्योंकि इनमें नमक था। और सदियों बाद यहां दुनिया के सबसे बड़े जखायर नमक की कानों की सूरत में दरियाफ्त हुए। छोटा सा माइन के अंदर जो नमक है, इसकी जो दरियाफ्त है वो है 326 कबल मसीह से, सिकंदर आजम के वक्त की है। छोटा सा माइन दुनिया में दूसरे नंबर के ऊपर है और एशिया में पहले नंबर के ऊपर है। जो पहले नंबर के अंदर है वो है पोलैंड के अंदर है क्राको साल्ट माइन, और ये दूसरे नंबर पे है। इसकी साल्ट रेंज है दरियाए जेलम से लेके डिस्ट्रिक्ट मियांवाली तक है। 300 किलोमीटर इसकी साल्ट रेंज है और 8 से 30 किलोमीटर चौड़ाई के ऊपर ये माइन फैली हुई है। अभी तक ये माइन है 3 किलोमीटर तक है। 1 किलोमीटर हमारा विजिटिंग एरिया है, 2 किलोमीटर वर्किंग एरिया है। तो माइन की अप डाउन टोटल 17 मंजिलें हैं। 17 लेवल के ऊपर ये माइन चल रही है, 5 लेवल इसके ऊपर है, 6 ये ग्राउंड फ्लोर है और 11 लेवल इसके नीचे डाउन चल रहे हैं। और यहाँ पर 3 कलर का नमक है, रेड है, वाइट और पिंक है। खेड़ा सॉल्ट माइंस चकवाल में सयाहों की पसंदीदा जगह है। यहाँ साल में 2 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। सयाहत के नुक्ता नजर से जनूबी पंजाब का जिला मुजफ्फरगढ़ खास अहमियत रखता है। यहाँ तौनसा बिराज दरियाए सिंध पर कायम है, जो दरियाओं में पानी की तंजीम का काम करता है। इस इलाके की खासियत मछेरों की बस्ती और अंधी डॉल्फिन है। मछेरों की बस्ती कश्तियों पर ही कायम है, जहां वो तमाम जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के मुकामी लोग डॉल्फिन को अपना दोस्त समझते हैं। दूसरे शहरों और मुल्कों के लोग इनको देखने के लिए बड़े शौक से आते हैं। ये हमारे पाकिस्तान का पुराना तरीन जानवर है, इसलिए इसकी तादाद बढ़ाना चाहते हैं। अगर इसकी तादाद कम हो जाए तो पाकिस्तान में एक खूबसूरत और मिलनसार जानवर नहीं रहेगा। ये डॉल्फिन पानी के ऊपर आकर सांस लेती है और फिर नीचे चली जाती है। ये है तो अंधी, मगर शुआओं की मदद से तैरती है। यहाँ अंधी डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, जो दुनिया में मादूम होती जा रही हैं। इस इलाके में अंधी डॉल्फिन्स की एक महफूज पनाहगाह मौजूद है, जहाँ 1400 डॉल्फिन्स अब भी जिंदा हैं और देखी जा सकती हैं। पंजाब में जनूब का हिस्सा बहुत अहमियत रखता है। जनूबी पंजाब का मरकज जिला भावलपुर है। ये पंजाब का सबसे बड़ा जिला है। इस इलाके में सराय की जुबान बोली जाती है, जिसके बारे में मुहक्किकीन का ख्याल हो रहा है कि गालिबन ये इंसान की कदीम तरीन जबान है जो जिंदा है। हमारे पास पंजाबी में 1000 साल का अदबी विरसा मौजूद है। उर्दू के ज्यादातर अल्फाज पंजाबी जबान ही से निकले हैं, इसलिए उर्दू को पंजाबी जबान की बेटी कहा जाता है। बहावलपुर के महलात, बागात, सहरा, दरावर किला, आमों और सूरजमुखी के बागात बहुत शोहरत रखते हैं। बहावलपुर का लाल सोहनरा नेशनल पार्क जनूबी एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल है। शहर, बागात, दरिया, यहां पहाड़ हैं, सहरा है, खेत और हजारों साल की तहजीब के निशानात हैं। मोहब्बत, खुलूस और ईमानदारी है। पंजाब की सरजमीन से फैजयाब होकर बहुत सी शख्सियात ने आलमी शोहरत पाई।
آج کا پنجاب قومی ترقی کا مظہر ہے اور اس کی نوجوان نسل مستقبل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔